जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं। कई बार हम उनका कारण भी नहीं समझ पाते, परंतु जब हम समस्याओं को स्वीकार करते हैं, उनसे निपटने का साहस दिखाते हैं, तो हम अपने सामर्थ्य को समझते हैं। यदि समस्याओं का सामना आसान होता तो हम अपनी प्रतिभा को नहीं खोज पाते। समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखें जो हमें अपने अधिकतम पोटेंशियल को प्राप्त करने का मौका है। जीवन में सफलता का रास्ता धुंधला होता है, परंतु समस्याओं को पार करने से हम उसे प्रकाशमान बना सकते हैं। धैर्य और परिश्रम से हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। तो अपनी समस्याओं को सामने देखकर डरना नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखिए और आगे बढ़े। माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत को ऐसा रखो कि हालात हार जाएं। जिसके पास धैर्य है और जो मेहनत से नहीं घबराता, कामयाबी उसकी दासी है। प्रयत्नशील रहने से ही सफलता मिलती है। रुका हुआ तो पानी भी सड़ने लग जाता है। जिसे जीना आता है वो दुख में भी खुश रहता है। कितना भी पकड़ लो, फिसलता जरूर है, ये वक्त है। साहब बदलता जरूर है। सोच से, विचार से और व्यवहार से ही मनुष्य का चरित्र बनता है। खुश रहना सीखिए, बाकी सब चलता रहेगा। सुकून वहां नहीं जहां धन मिले, सुकून वहां है जहां मन मिले। जीवन की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं है। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। मैं जहां थी वहीं हूं, जैसी थी वैसी हूं, मगर वक्त बहुत बदल गया। आज फिर जिंदगी का एक पन्ना और पलट गया। जरूरत से ज्यादा सोचकर आप ऐसी समस्या को जन्म देते हैं जिसका वास्तविक में कोई अस्तित्व नहीं है। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। किसी ने पूछा, इस जहां में आपका अपना कोने है? मैंने हंसकर कहा, वक्त अगर वो सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर क्या गलत चल रहा है, मेरा स्वभाव या फिर मेरा वक्त। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त खराब है, लो उसे बदल कर दिखाओ। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों की पहचान कभी नहीं होती है। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ करने से कोई बड़ी सजा नहीं होती। जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है। जड़े नहीं, किसी की संगत से आपके विचार अगर शुद्ध होने लगे तो समझना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की विशेषता को देखकर कुछ सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आज के दौर का वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी अनपढ़ता, बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है, यहां बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। जिंदगी में कभी भी किसको इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्या है, दिखावा करते हैं। कुछ लोग अपनेपन का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो आपका शुभ चिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उनकी कदर ना हो। इंसान रोते रोते गुस्से में कुछ बोल दे, वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होगा। शीशा और रिश्ता बहुत नाजुक होता है,
उसमें अंदर बस यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वो व्यक्ति आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त मत बनाएं। तन का काला चलेगा पर मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल वक्त रखता है। इंसान सिर्फ अपना किरदार निभाता है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या कोई मनुष्य हो। इतना बेहतर भी ना खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। दुनिया को छोड़ो, पहले उसे खुश रखो। जिसे तुम रोज आईने में देखते हो, ये कोई नहीं जान सकता कि एक मुस्कुराता हुआ शख्स अपने अंदर कितनी जंग लड़ रहा है। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। मैं खुद ही था खुद को किनारे लाने वाला, वरना समंदर ने तो बहुत मौके दिए। मुझे डूब जाने के सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, किसी के साथ अपनापन जताने का नाटक करना तो उससे भी बड़ा धोखा होता है। सोच था कि इस मोड़ के बाद आगे सुकून मिलेगा, लेकिन ये सोच सोच के हमने पूरी जिंदगी खत्म कर दी। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है ना, खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। शुक्र है खुदा का कि उसने मुझे धोखा खाने वाले में रखा, धोखा देने वाले में नहीं। अगर दुनिया विश्वास पर चलती तो किसी के भी दरवाजे पर ताले नहीं लगे होते। ख्वाहिश नहीं है कि हर कोई तारीफ करे, पर कोशिश है कि गलत ना करे। खुद का दर्द खुद से ज्यादा, और आप खुश हैं या दुखी हैं, कहने को शब्द नहीं, लिखने को भाव नहीं। दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन दिखाने को घाव नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया। ऐ जिंदगी चलने का ना सही, लेकिन संभालने का हुनर तो आ ही गया। दो, जीवन में तूफान का आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ साथ चलता है और कौन साथ छोड़कर जाता है। तीन, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तू हिम्मत ना हार मेरे दोस्त, तेरे हाथों की लकीरें भी बदलेगी। चार, कठिन रास्तों से कभी ना घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। इसके साथ ही वो सही मायने में अपनी जिंदगी नहीं जी पाते और नकारात्मकता से भर जाते हैं। हालांकि जो लोग जिंदगी में खुश रहते हैं और खुद से एवं अपने आसपास के लोगों से प्यार करते हैं, ऐसे लोग आसपास के वातावरण को भी सुखद बनाते हैं एवं जिंदगी में अपार सफलता हासिल करते हैं। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं और खुशी पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, जबकि कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत हार जाते हैं एवं टूट जाते हैं। ऐसे लोग टेंशन में रहते हैं और उनकी जिंदगी निराशापूर्ण व्यतीत होती है।